ओके क्लास, लेट्स गो फॉर द एंट्री नंबर टू. एंट्री नंबर टू इज के सुंदरम अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, क्योंकि हमने के सुंदरम से लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया है. अब जब लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया है 5 लाख रुपीज का, तो के सुंदरम को पेमेंट करना है. ठीक है, तो के सुंदरम को पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? के सुंदरम अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमको उनको इक्विटी शेयर कैपिटल देना है. तो आया है हमारा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000. 4000 कैसे आया? 4000 हमने 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 किया है. 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो 4000 शेयर्स आया. तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या जा रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट में जा रहा है 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 4 लाख रुपीज, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया, दैट इज 2 सिक्योरिटी प्रीमियम. 4000 मल्टीप्लाई बाय 25, इट्स अ 1 लाख. तो एंट्री नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू के सुंदरम, एंड एंट्री नंबर 2 के सुंदरम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपीज. Now let's move to the second part of the question. The question is of 2 parts, 1 and 2. The second part of the question is saying Y Limited decided to issue 2000 shares of rupees 100 each to UT of India, that is Unit Trust of India, as a undertaking commission. हमको undertaking commission pay करना है. So what is the journal entry of paying the expenses? Journal entry of paying the expenses is expenses account debit to cash. हम लोग जनरल एंट्री क्या पास करते थे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. यहाँ पे एंट्री थोड़ा सा अलग हो गई. एक्चुअली है ये एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही है. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट बीच में अंडरराइटर आ रहा है, क्योंकि अंडरराइटर कमीशन किसको देना है? अंडरराइटर को देना है. तो इसकी एंट्री बनेगी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और फिर अंडरराइटर को डेबिट कर देंगे अंडरराइटर कमीशन डेबिट, सॉरी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन हमको पे करना है. तो जनरल एंट्री बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी. अच्छा रुको, जनरल एंट्री मैं दिखा देती हूँ. पहले अमाउंट कितना देना है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर है? ये देखो, ये है जनरल एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट दैट वी हैव टू पे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, जो कि किसको पे करना है? टू अंडर राइटर. किसको पे करना है? अंडर राइटर को पे करना है. तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनी है? इसकी जनरल एंट्री बनी है अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू अंडर राइटर 2 लाख. अब जब इसका नाम आ गया, इसको पेमेंट करना है, तो इसको पेमेंट कैसे करना है? इसको पेमेंट करना है शेयर में. सो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, ये क्या आ जाएगा? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल. टू इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? 2 लाख. तो इस तरह से सेकेंड पार्ट की 2 एंट्री हो जाएगी. क्लियर है? और फुल एंट्री आपकी ये इतनी बनेगी. इतना 6 नंबर का हो गया आपका. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख टू के सुंदरम अकाउंट, देन के सुंदरम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम विथ 4 लाख एंड 1 लाख. सेकेंड पार्ट का है अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू अंडर राइटर अकाउंट 2 लाख, एंड देन अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सिक्योरिटी, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख. आई थिंक सो क्लियर हो गया क्वेश्चन.